Good morning, students. I hope all are well. Today we discuss class 7th, chapter number 8, Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Regions. In this chapter, we will discuss about the Amazon Basin and the Ganga Brahmaputra Basin. Let's start with introduction. इंट्रोडक्शन में क्या है बेटे, इंट्रोडक्शन में है आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है रेणुका और उसके जो अंकल हैं श्रीकांत। उसके अंकल जो रेणुका के अंकल हैं वो एक फोटोग्राफर है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स की पिक्स की हुई हैं, फोटोग्राफ्स की हुई हैं, कोई डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, हिल साइड है, बहुत ही अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की उन्होंने फोटोग्राफ्स की हुई हैं। जिसमें क्या है कि जो रेणुका है वो उनसे पूछती है कि इतने डिफरेंट रीजंस हैं, ये देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो इसी स्टोरी से रिलेटेड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द अमेज़न बेसिन। अब अगर हम अमेज़न बेसिन की बात करें तो ये इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ओके। अब इक्वेटर पे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे अमेज़न है जो वो लाइक है, अमेज़न बेसिन कहाँ पे लाइक करता है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास के जो ये वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, अमेज़न रिवर है, कहाँ की है अमेज़न रिवर, नॉर्थ अमेरिका की, क्लियर। अमेज़न रिवर है वो जो अटलांटिक ओशन है वहाँ तक अपनी वाटर बॉडी से पूरी रिवर का वाटर वहाँ तक स्प्रेड कर देती है और वहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे जाके ये मिक्स हो जाते हैं, क्लियर। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि हम अमेज़न बेसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। अमेज़न तो रिवर है बट बेसिन क्या है, बेसिन क्या है, बेसिन मीन कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से वाटर आके एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वो अपने साथ लेके आती हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर का वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिन्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है, ठीक है, अमेज़न रिवर का वाटर यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है नॉर्थ साइड, और सेम थिंग ये साउथ साइड भी स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अमेज़न से रिवर लिया और ये क्या हमारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनका जो वाटर है वो कहाँ पे जाता है, किन रिवर्स में जाता है, वो जाता है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, ठीक है, इक्वेटर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला जाता है, ठीक है। यहाँ से तो स्प्रेड हो गया तो कहीं पे तो नहीं जाएगा ना, तो कहाँ पे जाता है, ब्राज़ील में जाता है ये वाटर, पेरू में जाता है, बोलिविया में जाता है, इक्वेटर, ठीक है, जिसको इक्वाडोर कहते हैं, इक्वेटर से जाता है तो इक्वाडोर, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब अगर हम बात करें अमेज़न बेसिन के रिवर का जो वाटर है, ठीक है, इक्वेटर से जाता है, तो मोस्टली जो टू रिवर्स हैं कौन सी हैं, वो ब्राज़ील और कोलंबिया, थर्ड इज़ इक्वाडोर, ठीक है। यहाँ पे जो सारा वाटर है वो स्प्रेड किया जाता है, क्लियर। इसको हम BCE भी बोलते हैं, BCE मीन्स ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, लाइक इक्वेटर, क्लियर। सेकंड है हमारे पास क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब हमें यहाँ पे जो अमेज़न बेसिन है यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, तो जो अमेज़न हमारा है बेसिन वहाँ पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, डेज और नाइट्स होती हैं बहुत ही हॉट होती हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन है, तो इसकी जो रेज है ये डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है। तो इस रीज़न से यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही हॉट होता है जी, क्लियर। और क्या होता है यहाँ पे
रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वेट मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वो वेट हो जाता है। इससे हमारी जो स्किन है वो भी थोड़ी स्टिकी हो जाती है, जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशंस हैं। यहाँ पे हमें नट्स मिलते हैं, रबर मिलती है, गम मिलती है, ठीक है, इस बेसिन में। क्लियर, और क्या यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो ये बहुत ही हॉट होता है। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जब रेनफॉल होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर वो डाउन नहीं जाती, ठीक है, तो इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रेन की वजह से पूरा क्लाइमेट बैट बैट सा फील होता है। क्लियर, तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, सनलाइट प्रॉपर वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो जो वो ग्राउंड होता है, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट देखें तो जो ग्राउंड होता है बहुत ही वो डार्क होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आती, ठीक है, तो इस रीज़न से वहाँ पे जो लीव्स हैं वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने ऊपर। ठीक है, और क्या है यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर बर्ड है टोकन। ठीक है, जो टोकन वर्ड है उसकी जो साउंड है बहुत ही लाउड होती है, कलर्ड फैदर होते हैं उसके। ठीक है, और भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं लाइक मंकी, स्लॉथ, टाइपर, ठीक है, ये सारे यहाँ पे जो एनिमल्स भी पाए जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पे फिश होती है, बहुत ही फेमस फिश है, ठीक है, फेमस फिश है वो है पिराना फिश। ठीक है, बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पिराना फिश है कहाँ की, अमेजोन बेसिन की। और उस फिश को क्या बोला जाता है, तूत फिश भी बोला जाता है। कौन बोलता है, जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है टूपिल पीपल, ठीक है, अमेजोन बेसिन के जो लोग हैं। क्लियर स्टेज वाइल्ड, अगर यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, फिश का मैंने आपको पहले ही बता दिया, और क्या होता है यहाँ पे एनाकोंडा होता है, ठीक है, जो हमारा बहुत ही हम बोल सकते हैं कि पॉइजनस स्नेक भी है ना, सबसे फेमस है। क्रोकोडाइल्स होते हैं, फिश होती हैं यहाँ पे, मंकीज़ होते हैं, और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही रिच होती है। क्लियर, नेक्स्ट इज पीपल, अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग कैसे, लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग कैसे होते हैं, वो ट्रीज़ को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं। मोस्टली जो मेंस होते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और जो वीमेंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, उनकी केयर करती हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा की जाती है यहाँ पे। यहीं पे अगर पीपल्स के फूड की बात करें तो उनका जो स्टेपल फूड है वो कौन सा फूड है, वो है मेनॉक फूड। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, मेनॉक फूड आल्सो नोन एज कसावा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कसावा ग्रो कैसे किया जाता है, तो ये अंडर लैंड ग्रो किया जाता है लाइक पोटैटो, जैसे पोटैटो को ग्राउंड के अंदर आप ग्रो करते हो, सेम थिंग कसावा को भी वैसे ग्रो करते हो। इसके बिना भी वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और वो क्रॉप्स कौन सी हैं, कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ठीक है, मतलब ये सारी क्रॉप्स को भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है। अगर हम यहाँ के हाउसेस की बात करें कि लोग कैसे हाउसेस में रहते हैं, तो वो रहते हैं थ्रेस्ट हाउसेस में, उनकी जो रूफ़ होती है वो स्लंटिंग रूफ होती है, ऐसे होती है उनकी रूफ, ठीक है, बिल्कुल पीक पे नहीं होती, स्लंटिंग होती है, मतलब राउंड शेप की होती है। रीज़न क्या है इसका, क्यों होती है ये स्लंटिंग शेप की, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस रीज़न से अगर यहाँ पे रेन हो रही है तो रेन वाटर यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, वो डाउनफॉल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इस रीज़न से यहाँ पे जो हाउस होते हैं वो स्लंटिंग रूफ्स वाले होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और इन हाउसेस को झोंपड़े टाइप बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है कि जो अमेज़न रिवर है, ठीक है, वहाँ पे पहले की बात करें तो रहने की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी,
बट जब वहाँ पे हाईवे बन गया, वहाँ पे एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो वहाँ पे पीपल्स का रहना पॉसिबल हो गया। और क्या था वहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर थी वो भी फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर कर दिया। हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था स्लैश एंड बर्निंग, मींस कि पहले उनको वो ट्री काट लेते थे, उनको बर्न कर देते थे और एग्रीकल्चर के लिए वो फॉरेस्ट को रेडी कर लेते थे। क्लियर। नेक्स्ट इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इक्वेटर पे है, बट अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ साइड पे है। क्लियर। तो ये कितना है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये इस तरह से है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर जो रिवर है, सतलुज रिवर है वेस्ट साइड एंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सटेंड होती है 2500 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पे जो मतलब फर्टाइल लैंड है बहुत ज़्यादा है। और क्या यहाँ पे कि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र और शिवालिक जो और सुंदरवन डेल्टा भी यहीं पे है गंगा ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे क्या है गंगा। क्लियर। और वर्ल्ड्स बेसिन्स में ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ का अगर हम बात करें कि यहाँ के जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है वो किस तरह की है। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट होता है, मिड जून टू मिड सितंबर बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब इसको मॉनसून सीजन भी बोला जाता है, मॉनसून क्लाइमेट भी बोला जाता है। यहाँ पे ऑक्स लेक है, ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, ऑक्सबो वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हमारी एक लेक है, जब यहाँ से एक पार्ट कट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्लियर। अगर हम बात करें इसके वेजिटेशन की तो कौन सी वेजिटेशन है यहाँ पे, मोस्टली यहाँ पे जो वेजिटेशन है उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो भी यहीं पे होते हैं, उनके जो फेमस ट्रीज हैं वो है साल, टीक, पीपल एट्सेट्रा। ठीक है, अगर यहाँ की ट्रोपोग्राफी की बात करें तो ट्रोपोग्राफी में क्या है कि जो सूटेबल लैंड है वो भी यहीं पे है। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है पैडी, और भी बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है लाइक वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, बनाना प्लांटेशन हो गया एट्सेट्रा। और क्या होते हैं यहाँ पे कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम में टी को ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल और असम में ट्री को ग्रो किया जाता है, बिहार और असम में सिल्क वॉर्म से सिल्क को ग्रो किया जाता है। वाइल्ड लाइफ, अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे होता है एलिफेंट, ठीक है, लायन, टाइगर, डियर, मंकीज, ये सारे यहाँ के एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल्स भी होता है। यहाँ पे जो डेल्टा एरियाज है वहाँ पे जो होम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या किसके लिए होते हैं, वो जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, उनके लिए वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट इज पीपल। अब अगर यहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पीपल्स की बात करें तो लोग कैसे होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो उनकी ऑक्यूपाइएशन होती है, ठीक है, वही उनका वर्क होता है, और इन लोगों को क्या कहते हैं, ट्राइबल पीपल्स। ठीक है, हमने पहले जो हमारा था अमेज़न बेसिन उसमें भी मैंने आपको लोगों को जो वहाँ के पीपल्स थे उनको क्या बोला जाता था वो बताया था, और अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है बेसिन वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, ट्राइबल पीपल्स। यहाँ की अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता ही दिया कि राइस को ग्रो किया जाता है, यहाँ के लोग पैडी बहुत मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रूट्स की वेजिटेशन भी होती है, जैसे मैंने आपको बनानास बताए थे, पल्सेस की वेजिटेशन होती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वहाँ पे डेवलप हुआ है
मतलब बहुत ही वो हम बोल सकते हैं कि रिच सोर्स है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम को वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। स्मॉल स्केल्स के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे आई हैं इस रीजन में, ठीक है। बहुत ही गुड नेटवर्क जो रोड्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, रेलवेज़ भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, मतलब अगर हम बात करें कि बहुत सारी डेवलपमेंट है यहीं पे है, और यहाँ पे प्लेन्स भी हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं और हाउसेज़ के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जहाँ पे अगर हम बात करें कि मोस्टली जो डेंसिटी है पीपल्स की वो यहाँ पे ही है। यहाँ की जो डेंसिटी है मोस्ट ऑफ पीपल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ में भी है, बहुत ही ज़्यादा जो सिटीज़ हैं लाइक कैपिटल्स हैं, कैपिटल न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, कोलकाता, पटना, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। डेंस पीपल यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। कोई पता कि गंगा कितनी पोल्यूटेड रिवर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होने के कारण उन रिवर्स का जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है, क्लियर। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया कि अमेज़न बेसिन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है, और कितनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं वहाँ पे दोनों में, क्लाइमेट क्या होता है, उनकी वेजिटेशन क्या होती है, फूड क्या होता है। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।